सीरियल कैसा है रिश्ता अनजाना में ले आती है बाहर कैद खाने से जो बनी है मृदुला अनमोल कहती है यही है आपके दुश्मन का घर और आप परेशान मत हो इनने मेरे साथ भी ऐसा किया है। यहाँ पर अनमोल कहती है यहाँ कोई तो था मुझे पता है आवाज़ आई थी उसे लॉकेट मिलती है वह सोचती है उसी का लॉकेट इधर पर गुस्से में घर आ जाता है रजत नंदनी और उसका भाई उदय कहता है कि ये क्या किया तुमने फ़ोटो देखकर उसकी बोलता है कि तुम्हें मेरी माँ पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। फ़ोटो पटक देता है और बोलता है रानी माँ पर इल्ज़ाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वह दादी है मेरी मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी रजत आ जाता है कहता है ध्यान रखो ऐसा ना हो तुम्हारे गलत फैसले में तुम्हारा रिश्ता बिगड़ जाए क्योंकि मैं अपने आप से जानता हूँ मैंने भी रिश्तों को बड़े समझदारी से निभाया है और यह सब अनमोल के कहने पर किया है बड़ी मुश्किल से मेरा रिश्ता संभला है तुम समझदारी से काम लेना। नन्नी कहती है भाभी ऐसा नहीं कर सकती वह ऐसी बिल्कुल भी नहीं है उनकी कोई गलती नहीं है जरूर कोई बात है। तभी वह उसके बारे में सोचने लगता है। यहाँ काजू खिड़की खोलता है तो उसे माँ दिखती है और उन्हें पकड़ लेता है कंबल में लपेटकर और ले जाता है कहता है चलो आपको सच बताना पड़ेगा। यहाँ मृदुला कहती है क्या मैं आपको माँ बुला सकती हूँ मेरी माँ नहीं है मैं भी आपकी तरह परेशान हूँ इन्होंने कन्यादान के बाद मुझे छोड़ दिया है और अपना नहीं रहे हैं कैद खाने में डाल दिया है मैं क्या करूँ। तो वह बोलती है ये लोग हैं ही ऐसे। यहाँ पर अनमोल के पास ले आता है काजू माँ को और अनमोल को सारी बातें बता देती हैं। माँ कहती हैं मैंने उनके डर से कहा है काजू प्रार्थना करता है हे देवी माँ अनमोल और उसकी माँ के बीच में सब ठीक कर देना। इधर अनमोल कहती है कि आपने जो भी किया है आपने रानी माँ के डर से किया है मुझे पता है आप ऐसी बिल्कुल नहीं हैं आप मेरी माँ हैं और आप सब कुछ रजत जी को सच सच बता दीजिए तो मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी और अपने दुश्मन जो हैं परिवार के वह पकड़े जाएंगे भले ही वह आपकी सास क्यों ना हो। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो मैं भी अनमोल हूँ मैं उगलवाना जानती हूँ रुक जाइए मैं अभी आती हूँ और जाती है वहाँ पर उधर से एक कूड़ा ले आती है कहती है अगर आपने नहीं बताया तो मैं अपने आप को मारूंगी।